अगर आपकी कंप्यूटर के अंदर अचानक से इस तरह से ब्लू स्क्रीन का इरर शो होता है तो आप इस इरर को किस तरह से सॉल्व कर सकते हो उसका आपको पूरा नॉलेज इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो अगर इस टाइम पे करेंटली आपके कंप्यूटर के अंदर या फिर लैपटॉप के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम हो चुका है और आपने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूट्यूब की ऊपर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो देख लिए हो, अभी तक आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं मिला है, तो उस टाइम पर आप इस वीडियो को देख लोगे। इस वीडियो के अंदर बता हुआ ट्रिक को आप यूज करोगे तो आपकी कंप्यूटर के अंदर जो ब्लू स्क्रीन इरर दिखाया गया है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, कहीं पे भी जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात है, आप इस प्रॉब्लम को तभी सॉल्व कर सकते हो अगर आपकी हार्ड डिस्क सही सलामत है। तो अगर आपकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गया है तो उस टाइम पे चाहे आप कुछ भी कर लो, आप अपनी जो ब्लू स्क्रीन इरर है इसे सॉल्व नहीं कर सकते, उस टाइम पे आपको आपके हार्ड डिस्क को चेंज करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इस तरह का प्रॉब्लम आपके साथ हो जा पाए तो आप किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे ऑटो रिपेयर बोल के आपको यहाँ पे नीचे की तरफ दो ऑप्शन मिलता है, आपको सिंपल चाहे यहाँ पे एडवांस ऑप्शन इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे सिंपल सा नीचे की तरफ जो ट्रबल शूटर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ एडवांस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद कमांड प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह से एक पॉपअप आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे आपको अभी जो प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा आपको सेम टू सेम फॉलो करना है। तो आपकी विंडोज जिस ड्राइव के अंदर इंस्टॉल किया गया है आपको उस ड्राइव को सबसे पहले यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले सी ड्राइव की टैप करना है, अगर आपको पता है किसी दूसरी ड्राइव पे है तो आपको यहाँ पे सिंपल सा आपकी जो डी ड्राइव है आपको यहाँ पे डी टाइप करके आपको सिंपल सा यहाँ पे इस सिंबल को यूज करके आपको एंटर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे आपको DIRA टाइप करके आपको फिर से दोबारा एंटर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको कौन सी जगह पे क्या टाइप करना है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट करके भी दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर आपकी जो विंडोज है वो किसी दूसरी टाइप पे है तो आपके पास इस तरह से ये जो पेज है वो आपके पास नहीं आएगा। जैसा कि प्रोग्राम फाइल बोर्ड के 86 बोल के ये जो फाइल है ये आपके पास नहीं आएगा। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे दोबारा डी ड्राइव लिख के आपको यहाँ पे उसी सिंबल को यूज करके आपको आपकी जो ड्राइव है उसे आपको सिलेक्ट करना है। और आपके पास इसी तरह से ये जो पेज है ये आ जाता है तो उस टाइम पे आपको आगे की प्रोसेस को फॉलो करना है। तो इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है /windows/system32/config ये टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट जो लाइन है वो आ जाएगा, आपको इस बार यहाँ पे टाइप करना है MD backup, दोबारा आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। जैसे एंटर की ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास नेक्स्ट जो लाइन है वो आ जाएगा, इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है copy *point*#backup, ये आपको टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। तो इस बार आपके पास कुछ इस तरह से और भी बहुत से ऑप्शन आ जाएगा। तो इसके बाद आपको यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड डालना है वो है CD space rec back, आपको ए टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइप करना है DIR, ए टाइप करके आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से बहुत सी ऑप्शन आ जाएगा। और यहाँ पे एक चीज को आपको ध्यान में रखना है, अगर यहाँ पे जितना भी डाटा आया है इसका वैल्यू हर एक डाटा की वैल्यू 0 आता है तो आप यहाँ पे एक्सिट लिख के आप यहाँ से बैक कर देना। और अगर आपके पास यहाँ पे इसी तरह से बहुत सी वैल्यू आपके पास आ गया है तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे और भी कुछ नेक्स्ट कमांड डालना है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट टाइप करना है copy *.paste.. ए पेस करके आपको यहाँ पे एंटर की ऊपर क्लिक करना है। तो आपके पास इस तरह से कुछ ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे 0 फाइल कॉपीड लिख के आ जाता है तो आपको यहाँ पे एक्सिट लिख के आपको यहाँ से निकल जाना है। अगर आपके पास यहाँ पे 0 फाइल कॉपीड वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे नहीं आता है और आपको यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मांगता है तो आपको यहाँ पे हर बार ES लिख के एंटर की ऊपर क्लिक करना है। और लास्ट में जब आपके पास ऑल वाला ऑप्शन आएगा तो आपको यहाँ पे ऑल टाइप करके आपको एंटर की ऊपर क्लिक करना है, जब सारे के सारे फाइल की वैल्यू आपके पास 0 हो जाएगा और लास्ट लाइन वाला ए ऑप्शन आपके पास होने लग जाएगा तब आपको यहाँ पे एक्सिट लिख के आपको यहाँ से निकल जाना है। तो मेरे पास यहाँ पे सारे के सारे फाइल की वैल्यू 0 आ चुका है तो मैं यहाँ पे एक्सिट लिख के यहाँ से एक्सिट करता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे टर्न ऑफ योर PC इसके ऊपर क्लिक करना है और आपकी जो PC है आपको उसे टर्न ऑफ यानी कि ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद इसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपको आपकी कंप्यूटर की जो पावर केबल है उसे आपको निकालना है। इस तरह से कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखा दे रहा है। निकालने के बाद आपको दोबारा आपको उसी तरह से सेट करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी कंप्यूटर के अंदर से ब्लू स्क्रीन वाला जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, आपको इस काम को करना है नहीं तो आपकी जो प्रॉब्लम है तब से आपने जितना भी काम किया है वो बेकार हो जाएगा। तो आपको यहाँ से आपकी पावर केबल को निकाल के आपको दोबारा यहाँ पे सेट कर देना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोबारा आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे तो आपकी जो एक प्रॉब्लम है वो 99% सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी कंप्यूटर सही सलामत हो गया है तो कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ,
इस तरह का प्रॉब्लम ज़्यादातर होता है आपकी कंप्यूटर अचानक से शट डाउन हो जाता है, या फिर आपकी कंप्यूटर की कोई भी ऐसी फाइल जो है वो अचानक से क्रैश हो जाता है, या फिर आपकी जो कंप्यूटर है वो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लक्चुएशन के कारण आपकी जो कंप्यूटर है वो अचानक से बंद हो जाता है। तो उस टाइम पर इस तरह का एरर आपकी कंप्यूटर के अंदर दिखाई देता है। तो इस टाइम पर अगर आपकी कंप्यूटर की कोई भी ऐसे फाइल क्रैश हुआ है तो उस टाइम पर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्चुएशन के कारण आपकी जो कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क है वो करप्ट हो जाता है तो उस टाइम पर आपकी जो कंप्यूटर है उसे आप इस प्रोसेस को फॉलो करके आप उसकी जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व नहीं कर सकते। उस टाइम पे आपकी जो हार्ड डिस्क है उसे आपको चेंज करना पड़ेगा। और तो उस टाइम पे आपको आपकी जो कंप्यूटर सेंटर है तो वहाँ पे आप विजिट करोगे तो वो लोग आपको सही करके दे देगा। तो अगर आपकी प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद सॉल्व हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों के साथ इस तरह का प्रॉब्लम हुआ है उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर आप टाइम के साथ साथ नया नया वीडियो देखना पसंद करते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूट्यूब को लेकर सीरियस हो तो मैं यूट्यूब की बेसिक टू एडवांस लेवल का एक यूट्यूब कोर्स को बना के अपने चैनल के अंदर बिल्कुल फ्री में पोस्ट करके रखा है। अगर आप या फिर आपकी फैमिली में या फिर आपकी रिश्तेदार में कोई भी ऐसे यूट्यूब को लेकर सीरियस है जो यूट्यूब करियर में सब कुछ जान के यूट्यूब के ऊपर काम कर अपने करियर बना सकते हैं तो उसके साथ आप उसको शेयर कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप उसको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे ऐसे ही और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।